गुड मॉर्निंग तानिया गाइस। और आप ये देखो, इसके जो कल लगी है ब्लैकमेलिंग की होती है हद, यहाँ पे ख़त्म। खाना बनवाया इसने मेरे से, सुबह नाश्ता बनवाया, वो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब इसने जो हद पार करी है, क्या करी है बता आपको? ये कह रही गुड मॉर्निंग भी आप करो, गुड मॉर्निंग भी मैं नहीं करूँगी। कभी बाहर लेकर भी जाना है, मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ इसको, कुछ सामान वगैरह लेकर आना। हमें कल गणेश चतुर्थी है उसके लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे पूरा अच्छे से अरेंजमेंट। मतलब हम क्या, मैं मतलब मैं करूँगा ना, तो मैं ही दिखाऊँगा। ये तो आज बैठने वाली है, क्योंकि बहुत लग गई है इसकी, बहुत ज़्यादा तैयार। और लगी हो कोई दिक्कत नहीं, तैयार होके पूरा बैठेगी। तो यार ऐसे थोड़ी ना, मैं आपके सामने कैसे भी आ जाऊंगी मतलब गंदे। ये किसने सिखाया इनको कि आवाज़ को, अरे यार ऐसे ऐसे बोलने से दर्द ज़्यादा होता है कि क्या? मतलब क्या बताना चाहती हो तुम? ये देखो ना कितनी गंदी लग गई, ये ढाई अरे किलो का एक हाथ। मिनट, दिख अरे नहीं रही ना, थोड़ी ज़्यादा लगी है इसलिए। उधर रोशनी में दिखा, रोशनी में। हाँ देख, अभी भी नहीं दिख रही, लगी बहुत है इसके, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लगी है इसके। ये देख, वाह, ये देख, मुझे दे देना 1 मिनट। आपको पता है आज मेरा व्लॉग भी लेट हो गया है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लग गई थी हाथ में, और मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, मुझे ना बुखार भी आ गया था। तो ऑल्दो ये सब ऐसे बोलेंगे कि मैं नहीं झूठ। नहीं नहीं बुखार उखार नहीं आया, कोई नहीं आया, ही माँ कोई बुखार नहीं आया, उसमें कुछ भी नहीं था। वो तानिए गाइस, ऊपर एक बार, कोई भी बुखार नहीं आया है। उस टेम्परेचर मतलब वो थर्मोमीटर भी मैं नया लेकर आया हूँ, उसमें कुछ नहीं आया। दो थर्मोमीटर पे चेक कराया इसने, फिर भी ये मान के नहीं सोई है। इसने कहा नहीं, मैं मेरे को आ रहा है, आपको मानना पड़ेगा। कल से ही मेरे से इतना मतलब वो करवा रही है ना, कि इसके लिए गिरने की वजह से। ये देखो, और 100% गलती इसी की होगी, मैं अभी भी कहता हूँ। सच्ची में मेरी नहीं थी, भगवान कसम। मैंने देखा नहीं ना, ये वही बच्चे हैं जो जब कोई पास नहीं होता उनको सिर्फ कहानी सुनाते हैं, ये उनमें से एक है। देखो ज्यादा लग गई है गाना हाथ, डिस्पोज देखो आप खुद यू। देखो, आप खुद देखो, नहीं लगी क्या ज्यादा? अरे बहुत, तो बस चलो ठीक है, थोड़ा सामान लाते, और आज आप इतने खुश होने वाले हो ना, मैं इतना अच्छा अभी काम शरीर करके दर्द हो दिखा, रहा है तेरे, दर्द हो रहा है थोड़ा इतना सा, अच्छा काम करके हंस के दिखा, नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है। इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगी। देखो देखो हंस रही है, माय गॉड, मेरे को ठग ऑफ हिंदुस्तान है ये, हैदराबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ओ माय हैदराबाद गॉड। नहीं, हैदराबाद से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा है, जालसाज है। मतलब आज तेरे के पता मुखोटा वोखोटा तो नहीं है तेरे इसके पीछे उधर, हैं कहीं कुछ लगा तो नहीं? चलो एक बार लेके आते हैं। और आपको पता है आज मैं खा के आऊंगी गरम गरम डोसा, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया। कौन कौन डोसा खिला रहा है? तो तुम्हें ऐसे ही बोला था तेरे को, कोई डोसा वोसा? चलो कोई बात नहीं, रास्ते में बना लूंगी। तो ये ऐसे सारे फ्रूट्स वाले बैठे हुए हैं पूरे दूर तक, वहाँ तक वो प्रगति नगर का लेक है उस तरफ। और आपको पता है, ये दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से। और ये इतने सारे फूल, और ये देखो ये भी इतने सारे गन्नू भैया बैठे हैं इधर, मौज ले रहे हैं अभी तो। और ये हमारे यहाँ पे इतने सारे फूल मिलते हैं, मिलते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, इतने सारे फूल हैं। और ये देखो यहाँ पे लाइक ये पत्तों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अलग अलग तरीके के पत्ते मिलते हैं, दुरुवा के, आम के, जामुन के, और पता नहीं कौन कौन से हैं ये। इन पत्तों से पूरा डेकोरेशन होता है। और ये देखो, ये आपने देखा होगा, ये बहुत खट्टा होता है ये वाला फल, कस्टर्ड एप्पल आई थिंक सो, नहीं कस्टर्ड एप्पल ये होता है, कौन सा होता? कस्टर्ड एप्पल तो सीताफल होता है, इसको भी कुछ बोलते हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी पूछ के बताती हूँ। और ये इधर सीताफल मिल रहा है, ये क्या है, मीठा होता है खट्टा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है? मीठा, मीठा। ओके।
ओके ठीक है, तो अभी आपको ऐसे दिखा देती हूँ। वहाँ से पूरे लोग नीचे से बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके के पत्ते, इन पत्तों से डेकोरेशन होती है देखो। चलो मैं अब आपको सामान ले लूँ, फिर मिलती हूँ। देख समझ में, ये अलग अलग तरीके की, ये शायद अबे ये भांग का पत्ता है शायद, अबे ये भांग का पत्ता आई थिंक, ये किसका पत्ता है भैया? अच्छा ओके, भांग है मेरे हिसाब से, है ना? भांग का ही है वो, दिख रहा है। वो कितने का है ये पूरा सेट? लाइक मनी हाउ मच? 50। ओके, सो ये सारा का सारा चढ़ाना है या पीछे लगाना होता है? ओके बैक साइड, ठीक है। आम का भी, अबे आम का पत्ता भी लेना है, आम का पत्ता क्या फूल ऐसे कहते? तुम तो सारे दे दो 20 रुपीज वाले, 20 के। हाउ मच ऑल? इदी 30 रुपीज। हाउ मच? 50 ग्राम 30 रुपीज। ओके करना मिक्स एक बार। फ्लैट नहीं, गोल लो थोड़ा ना। आपको तो सब पे रखने के लिए चाहिए ना, एक एक गठरी चाहिए पूरी। ये देना है। ये किसका पत्ता है? व्हाट इज दैट? अच्छा ये क्या करते हैं? चार चार चढ़ाते हैं भगवान पे, नैवेद्यम। चार नैवेद्यम। अच्छा नैवेद्यम, अच्छा ओके ओके ओके। क्या घी? ई, इसको ई बोलते हैं? तो इतने सारे पत्ते कहाँ चढ़ाएंगे? गांव से लाया मैडम, इधर से नहीं। गांव से लाए? हाँ मैडम। देखो मैडम अच्छा है पत्री। अच्छा देखो मैडम, ले ली। हाउ मच? कितना देना है अम्मा? कितना हुआ? 20 रुपए। अरे 10 में क्या सेट? 20 रुपए नहीं दे सकते तुम? अरे सेठ ले 40 हो गए अब। ये पीपल का, आम का पत्ता है, पता नहीं क्या, कौन कौन से पत्ते चढ़ाते हैं यहाँ पे लोग। और ये देखो ये अंकल पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये देखो मोदक तो ठीक है, पर वो लड्डू तो ठीक है, पर अपने को मोदक मिल जाएंगे यहाँ पे? हैं मोदक फिर किधर मिलेंगे? मोदक मैं घर पे बनाऊं? चलो जी ये देखो सामान पे सामान इकट्ठा हुए जा रहा है भगवान के लिए। वो छोटा माला, छोटी वाली माला कौन सी थी? वो व्हाइट वाली, वो है ना उसके पास, वो है उसके पास, वो उसके पास, वो व्हाइट ऑरेंज दिख रही है ना जो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सही है यार ये तो बड़ा लड्डू। हाँ देखते हैं एक बार, वो बदर भी रखे हुए हैं ना। मज़ा आ रहा है यहाँ पे शॉपिंग करने में, भगवान जी के लिए स्पेशली। और इतनी साफ़ सुथरी शॉप है, जैसे देखो ये अलग अलग से यहाँ पे जो साउथ की फेमस पेंटिंग है ना वो लगा रखी है। फाइनली मैं सारा सामान लेके घर आ गई हूँ, और अभी आपको दिखाती हूँ कि
क्या क्या सामान जरूरी होता है गणपति की पूजा के लिए, एक मिनट। ये है पटका भगवान का येलो कलर का, और ये रेड कलर का पटका, ठीक है। और ये है भगवान की धोती, क्यूट सी धोती वाइट कलर की, और उसके ऊपर उनका रेड कलर का पटका, तो मतलब ये उनकी ड्रेस हो गई रेड और वाइट। अभी हम सोच रहे ज़्यादा बड़े नहीं लाएंगे गणपति जी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा विसर्जन का भी हमें पता नहीं, तो हम वो इको फ्रेंडली वाले लेके आएंगे, जो हम घर में रख के ना पॉट में रख के और उसको विसर्जन कर सके, वो वाले। और ये कुछ दोने लेके आई हूँ मैं, और आपको पता है यहाँ पे गुड़को का क्या बोलते हैं, बैलम, बैलम है। और ये इधर हल्दी की गांठ है, और ये सुपारी है, और ये क्या बोलते हैं उसको, यगो पवित्र मतलब जनेऊ, ठीक है, ये जनेऊ हो गया। ये काला धागा है कि भगवान के जब हम भगवान को लेके आएंगे ना, तो वहाँ पे रास्ते में भगवान को बांधना है और उस ऊपर से रेड कलर का कपड़ा उड़ाना है, ताकि रास्ते में उनको नज़र ना लगे, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है देखो, कि जो जितनी श्रद्धा हो उतनी करनी चाहिए, आपकी श्रद्धा आप इतना समय नहीं लगा सकते, इतना टाइम नहीं है ये चीज़ करने का, तो आपके जो घर में गणपति जी रखे हुए हैं आप उससे भी पूजा कर सकते हो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, अगर आपका मन है, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं वो अलाउ करते हैं, तो इनको कितना भी खुश कर सकते हो आप। मैं तो सबको सच बता रही हूँ, मेरे लिए तो ये लाइक ऑलवेज जितने भी फेस्टिवल हैं, और तो मेरी फैमिली में भी, इन लॉज में भी, सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये है इत्र, और ये वो दीपक, और ये है अखंड ज्योत वाला। अखंड ज्योत हमारे घर में कोई चलाता नहीं है किसी भी त्यौहार पर, बस मेरी मौसी हैं लाइक, वो नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाती हैं पूरे 9 के 9 दिन। मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ उनको, वो चलाती कैसे पता नहीं। तो ये है अखंड ज्योत, उसमें नहाने का और घी बिल्कुल ऐसे शुद्ध हाथ से लेना चाहिए, बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसके अंदर। और एक चीज़ ये मैं दिखा दूँ क्या, ये मेरे गणपति जी मैं लेके आई हूँ छोटे वाले, अपने मंदिर में रखने के लिए, ऐसे थोड़े से आपको धुंधले दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आइडल जो मूर्तियाँ होती हैं ना, वो मूर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। कभी मौका लगा ना तो मैं आपको एक जगह है वो वहाँ पे लेके चलूँगी। 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख तक की मूर्तियाँ मैंने देखी हैं वहाँ पर। मैंने ये देखो सारा सामान यहाँ फैला लिया, अब फटाफट से सारा सामान सेट करती हूँ, चीज़ें डेकोरेशन कल करूँगी, और अब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और तो ये देखो एक बार ये फाइनली, ताकि मैं कुछ भूलूँ ना और मुझको डांट ना पड़े, ये ना एक दिखाती हूँ आपको, ये एक डब्बा था, आई थिंक मैंने होम सेंटर से ये ख़रीदे थे, ठीक है। तो इसके ये देखो, ये तेल और इसमें शहद, जो भी मैंने सामान आपको बताया था ना, मैंने सारा ऐसे ना इसमें भर के रख दिया है। अब कल बिल्कुल भी भाग दौड़ी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, इवन तक कटर वटर, ये टेप, सब कुछ एक साइड रख दिए सारी चीज़ें अरेंज करके, ताकि कल सिर्फ इसमें से निकालना है और यूज़ करना है। आपको पता है ना मेरे हाथ में चोट लग रही है, देखो इसी हाथ से पकड़ रखा है मैंने, कोई हैवी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस फटाफट से डोसा खा के आती हूँ और फिर डेकोरेशन करती हूँ, और डेकोरेशन आपको परसों के व्लॉग में देखने को मिलेगी। कल तो ऑफकोर्स आप ये सारा सामान वगैरह वाला व्लॉग देखेंगे, और सॉरी मैं कल थोड़ा मतलब आज वाला जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा लेट हो गया डालने में, तो सॉरी आगे से नहीं करूँगी, प्रॉमिस। चलो तो ठीक है, बस फिर ओके, बस खाने की तैयारी, खा के आती हूँ फटाफट से, तो फिर फटाफट से व्लॉग एडिट करती हूँ। So one very important thing, please do subscribe my channel, give maximum like, maximum views, please share with your friends and family. Thank you so much for watching. Kal milte hain aapse, tab tak ke liye good night. See you super soon. Bye bye.